थानाकटघर अंतर्गत गाड़ीखाना निवासी अंकित श्रीवास्तव पुत्र दीपक श्रीवास्तव ने 31/7/2023 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बुद्धि विहार में 2,45,000 का चेक अपने पंजाब नेशनल बैंक शाखा कटघर में जमा किया था, लेकिन बैंक से किसी ने चेक को निकालकर उसे जालसाजी करके उसे कैश करवा लिया। जब कई दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित के अकाउंट में पैसा नहीं पहुंचा, तो उसने इसकी शिकायत बैंक से की, तो पता चला कि चेक तो कैश हो चुका है। अंकित श्रीवास्तव द्वारा इसकी शिकायत बैंक में की गई, लेकिन कोई कार्यवाही न करने पर पीड़ित द्वारा इसकी तहरीर थाना कटघर में दी गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्यवाही का आश्वासन देते हुए जांच शुरू कर दी, लेकिन काफी समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो पीड़ित से इस बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि किस प्रकार से उसके साथ धोखा हुआ है। जी, मैंने पार्टी ने चेक दिया था, वो चेक मैंने अपने 2,40,000 का चेक था, वो अपने अकाउंट बैंक में अकाउंट पे पर चेक था, वो बैंक में डाल के आया था पेटी में। अब वो कुछ दिनों बाद हम चक्कर लगा रहे हैं, अकाउंट पैसे नहीं आए थे। अब बैंक वाले पता कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी वहाँ से क्या पता अभी आए नहीं है अकाउंट में। जब पार्टी से पता करी हमने, जिनने बैंक जाकर पता करी उन्होंने, तो वो कह रहे हैं कि ये चेक कैश हो गया है। पहली तरीके को चेक कैश हो गया था, 3,100 चेक डाला था हमने ये। अब बैंक वाले कह रहे हैं कि क्या नाम है, आप अपना स्टेटमेंट लेके आओ वहाँ से बैंक से। गुमराह कर रहे हैं बैंक वाले, कुछ बता नहीं रहे कि क्या होगा, कुछ बता नहीं रहे, गुमराह करे जा रहे हैं बैंक वाले। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई है पुलिस वाले को। मेरा नाम विनीत गौड़ है जी। क्या है मामला इनका? भैया ये अंकित छोटा भाई है हमारा, 31 तारीख को PNB शाखा कटघर हनुमान मूर्ति पे इन्होंने एक चेक जमा करा था 2,45,000 का। कई दिन तक अकाउंट में इनके पैसे नहीं आए। जब ब्रांच में पता करा गया तो वहाँ के मैनेजर और कैशियर कई दिन तक गुमराह करा। जब दूसरी पार्टी से हमने पूछा जिन्होंने हमें चेक दिया था कि हमारे चेक का पैसा नहीं आया, तो उन्होंने हमें बताया कि चेक का पैसा तो मेरे अकाउंट से निकल गया। जब बुद्धि विहार शाखा SBI से पता करा गया जहाँ का चेक था, तो वहाँ से हमें बताया गया कि ये चेक तो पहली तारीख की सुबह ही कैश में हो गया, जबकि अकाउंट पे ही चेक था, अकाउंट में जमा करा गया। किसी भी प्रकार से कोई संतुष्टि नहीं दी जा रही बैंक से, बताया जा रहा है चेक चोरी हो गया। जब हमने बैंक को चेक दिया तो चोरी होने का जिम्मेदार कौन हुआ? इसकी सारी जिम्मेदारी बैंक की होती है। हमने लिखित तहरीर इसकी थाना कटघर पर दी। लगभग 15-17 दिन हो गए हैं, आज तक सिर्फ जांच के नाम पर टहलाया जा रहा है, ना कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, ना कोई सफलता हासिल हुई है। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव। ये बेटे का चेक, हमें एक चेक मिला था 2,50,000, 2,45,000 रुपये का। हमने अपने लड़के को भेजा, इसने अकाउंट पे जमा करा, बॉक्स में जाकर जमा कर दिया समझे, और वो कैश नहीं हो रहा था हमारा। अब हम चक्कर लगा रहे हैं, लड़का हमारा चक्कर लगा दिया इसके लिए क्योंकि पैसे नहीं आए हमारे अकाउंट में, पैसे नहीं आए समझे। तब वो बोले भाई वो टाइम लगेगा, आप एक पूरा एक हफ्ता गोल कर दिया उन्होंने समझे। उसके बाद जब उस जिस पार्टी से कहा हमने कि पैसे तुमने नहीं अभी आए नहीं, बोले हमारे अकाउंट से निकल चुके हैं पैसे। जब वो कहे बोले स्टेटमेंट लेके आओ, तो स्टेटमेंट ले गया तो वो कह रहे हैं कि पहली तारीख को ही कैश हो गया, तो अकाउंट पे चेक वो कैश हो गया, कैश में हो गया। बताओ कैसे हो जाएगा अकाउंट पे चेक कैश हैं? अब ये बताइए आप, अब क्या करें? अब हमने फिर उसके थाने में तहरीर दी कैसे से मामला हुआ हुआ है, हमने बताया गया, तो अब उसके बारे में अभी तक कोई मतलब वो नहीं मिला। हाँ, अधिकारियों से भी शिकायत की, अधिकारी भी कह रहे हैं अभी कर रहे हैं तहकीकात, यही कर लिया बस।